आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, ये समिटेटिव असेसमेंट वन का क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ या जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है, इफ थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल्स टू दिया हमें 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, मेरे को दिखाई देगा ये माइनस का दिखाई दे रहा है, इधर माइनस आ रहा है, माइनस माइनस क्या देगा प्लस सिक्स, ए की वैल्यू वन आ रही है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, ठीक है, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा सिक्स, और एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बनी हुई है, तो इसमें एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लो। तो पहले इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थ्री अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्व टू 18, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्व टू 20, साइन चेंज कर दो और अल्फा वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, इधर आएगा बीटा, थ्री बीटा माइनस टू बीटा आएगा बीटा, माइनस 20 प्लस 18 का मतलब आएगा माइनस 20, माइनस का टू, बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है सिक्स, बीटा की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें, माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स, इस टू को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सिक्स प्लस टू मीन्स टू एट, अल्फा इक्वल्स टू एट। अब अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके, उसने क्वेश्चन में पूछा था हमसे ए की वैल्यू कितनी रहेगी, ए डिटरमाइन करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास सी अपॉन ए, सी हमारे पास आ रहा है इसमें ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, वन है ही, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना रहेगा, एक रूट था माइनस टू और एक था हमारे पास एट, तो माइनस 16 आ जाएगा ये, एट टू या 16 माइनस टू इंटू एट, तो माइनस 16 इक्वल्स टू आएगा एट, दिस इज द रिजल्ट।